बीते दिनों भदोही में हुई दुर्गा पंडाल में हृदय विदारक घटना के बाद लखनऊ जोन के एडीजी ने उन्नाव पहुंचकर रामलीला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही रावण दहन की तैयारियों का जायजा लिया है। इसके अलावा एसपी के साथ शहर में पैदल भ्रमण कर दुकानदारों से बातचीत की, साथ ही 12 वफात के त्योहार को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर बात की। एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण आज सबसे पहले उन्नाव कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, एएसपी शशि शेखर सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर आशुतोष कुमार ने उन्हें सलामी दी, जिसके बाद कोतवाली के कार्यालय में मौजूद धर्म के साथ उन्होंने आगामी त्योहारों को लेकर बातचीत की। वहीं बाद में 12 वफात के पर्व को लेकर एडीजी एसपी के साथ उन्नाव शहर के बड़ा चौराहा धवन रोड छोटा चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने निकलने वाले जुलूस को लेकर मार्ग देखे। एडीजी को उन मार्गों पर कुछ खामियां मिली, जिसको दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही जुलूस के दौरान बिजली सप्लाई बंद रखने की भी बात कही गई। इस दौरान एडीजी ने कहा कि आगामी शनिवार को कई त्योहार हैं, वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा के साथ ही रावण दहन भी होना है। आपको बता दें कि उन्नाव दो रामलीला होती है जो बहुत पुरानी है, जिनमें शनिवार को रावण दहन होगा और जुलूस निकलेगा। इसी दिन 12 वफात का शहर में जुलूस भी निकलेगा। एडीजी जोन ने बताया कि सभी त्योहार अच्छे माहौल में संपन्न हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जितनी भी 12 वफात की समितियां और रामलीला कमेटी है, सभी से वार्ता करके सबके अलग अलग टाइम तय किए गए हैं। सहयोग से अच्छे माहौल में त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। वहीं निरीक्षण के बाद एडीजी जोन वापस लौट गए हैं। 9 तारीख को कई त्योहार हैं, वाल्मीकि जयंती भी है, शरद पूर्णिमा है, उसमें उन्नाव में दो रामलीलाएं होती हैं, बहुत पुरानी रामलीलाएं हैं, उनको जुलूस उनका रावण दहन भी होता है, जुलूस निकलते हैं। 9 तारीख को 12 वफात भी है, 12 वफात का भी त्यौहार मनाया जाता है, उसका जुलूस निकलता है। वही हम व्यवस्था देखने आए थे कि सारे त्यौहार, चाहे रामलीलाओं का समापन हो, रामलीला के जुलूस हो, रावण दहन हो, 12 वफात का जुलूस हो, जिले में कहीं वाल्मीकि जयंती है उसका कार्यक्रम हो, सारे त्यौहार बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो, उसके लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जितने भी समितियां हैं, चाहे रामलीला समितियां हैं या 12 वफात की समिति है, उन सबसे वार्ता की गई है। वार्ता करके सबके टाइम अलग अलग टाइम तय किए गए हैं। कोर्स का डिप्लोमेंट कराया जा रहा है और सारे स्टॉक होल्डर का सहयोग लेकर के एक बहुत अच्छे माहौल में ये सारे त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। यही मेरा आने का उद्देश्य है।